एथलेटिक लुक जो होती है, जो मुझे लोग तारीफ भी करते हैं, वो खत्म होती है। 250 kg डेडलिफ्ट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। चेस्ट को ओवर डेवलप नहीं करना चाहता, बिकॉज आई फील उससे एक एथलेटिक लुक जो होती है, जो मुझे लोग तारीफ भी करते हैं, वो ख़त्म होती है। आपका मानना कुछ और होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ओवर डेवलप चेस्ट थोड़ी लुक आपकी एथलेटिक ख़त्म करती है। One week later. कैन जज के वेस्ट डाली हुई है और ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। ब्लैक कॉफ़ी नॉट एग्जैक्टली ब्लैक कॉफ़ी, इसमें मैं डालता हूँ शुगर फ्री अपना। और येस, अबाउट टू हिट जिम। आज पुल वर्कआउट है और रैक पुल्स करूँगा, हैवी। काफ़ी टाइम बाद रैक पुल्स करने वाला हूँ। आई एम वेरी मच पम्प्ड अप टू अचीव 2 kg डेडलिफ्ट, 250 kg डेडलिफ्ट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। लेट्स सी कितनी जल्दी आती है। और ये बेसिकली जैसे मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, वही कॉफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, डेविडॉफ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन कभी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, कभी कभी यूज़ करता रहता हूँ। लेकिन मैं 2 रुपये वाली वो नेस्कैफे के सैशे आते हैं, वो भी यूज़ करता हूँ, कभी कभी ये भी मंगा लेता हूँ। ये इस बार मैंने 3 मंगाए हैं, ये तीनों। सर्दियाँ मेरी अच्छी चल जाएंगी, कभी मिल्क में डाल के पीने का मन करता है तो भी। आप इंडिविजुअल भी बाय कर सकते हो, लेकिन मैंने तीनों एक साथ बाय की है। और मेरा फेवरेट इसमें है ये रिच अरोमा फ्लेवर जो मैं अभी पी रहा हूँ। काफी डिफरेंट लगता है एज कम्पेयर टू नेस्कैफे, इसका टेस्ट जो है। ये आपको एक प्रीमियमनेस का एहसास देती है। देखो, स्टारबक्स की कॉफी तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन डेफिनेटली ये कर पाता हूँ। ठीक है, रैक पुल्स के बारे में गाइज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आपको पता होगा जो पुराने फॉलो करने की, मेरा गोल है 250 kg की डेडलिफ्ट हिट करना। और रिसेंटली मैंने 220 किलो का PR ऑलरेडी मार चुका हूँ मैं। तो रैक पुल्स के कई बेनिफिट होते हैं, 2-3 स्पेसिफिक टू मी
मैं क्या कर रहा हूँ कि इससे पहली बात तो आप जितना लोड डेडलिफ्ट में कर सकते हैं उससे ज़्यादा वेट आप उठा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आपकी रेंज ऑफ मोशन कम होगी है बहुत, आप सिर्फ ऊपर वाला पार्ट उठा रहे हैं, आप एक ज़्यादा वेट होल्ड करने की जो आपके अंदर कैपेसिटी है वो बढ़ा लेते हैं, आप अपनी बॉडी को यूज टू कर लेते हैं हैवियर लोड्स उठाने के, सबसे पहला बेनिफिट, ठीक है। और मान लो मैं आज 210 केजी पे काम कर रहा था, 3 सेट मैंने किए, यही 210 केजी अगर मैं प्रॉपर डेडलिफ्ट कर रहा होता तो 3 सेट ना लगा पाता और जो बॉडी के अंदर फटीग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती, ठीक है। तो कम फटीग करते हुए भी मैं अपने CNS को प्राइम कर रहा हूँ और उसको यूज टू कर रहा हूँ ये लोड उठाने के। और दूसरा बेनिफिट गाइज ये कि मैं अपना जो लॉकआउट है, जो डेडलिफ्ट का ऊपर वाला पोर्शन होता है, आप देखते हो नीचे से आप वेट उठाते हो तो ऊपर आते आते कुछ लोग पूरा लॉकआउट नहीं कर पाते और फेल हो जाती है लिफ्ट, तो उसकी प्रैक्टिस इससे हो जाती है लॉकआउट करने की, बिकॉज आप सिर्फ हाफ रेंज में काम कर रहे हो तो लॉकआउट की प्रैक्टिस हैवियर लोड्स के साथ आपकी हो जाती है, तो लॉकआउट में आपको बेनिफिट मिलता है, तो आपके लिफ्ट को फेल करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी के साथ ही जो स्पाइनल इरेक्टर्स भी हैं आपके लोअर बैक पे, बहुत ज़बरदस्त इससे ट्रेनिंग होती है रैक पुल्स करने के साथ। ये डिपेंड ये भी करता है कि आपने जो आपका सेटअप है वो कहाँ पे किया हुआ, जैसे मैंने आज जो मैं कर रहा था वो मेरा नी लेवल पे था, जो मेरी बारबेल थी वो नी लेवल पे थी, ठीक है। तो इसको आप नी के नीचे भी रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या इम्प्रूव करना है। सो इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, प्रॉपर फंक्शनिंग रैक पुल को एक डिटेल्ड गाइड वीडियो में बना सकता हूँ 10-12 मिनट की, अगर चाहिए तो बता देना कमेंट करके रैक पुल पे वीडियो। तो यही है यार, बस यही गोल है अभी, बॉडी रिकॉम्प करते करते, थोड़ा फैट लॉस करते करते और अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है। वो आने वाले 2 महीने में जाके होगा, 2.5 महीने में जाके होगा, कितना भी टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल बर्थडे को बचा है सिर्फ 1 वीक। नेक्स्ट मंडे आई विल बी टर्निंग 30, तो देखता हूँ कितना इस बार अपनी बेस्ट शेप में आ पाता हूँ। बहुत कम टाइम बचा है और स्ट्रेंथ भी मेंटेन रखनी है, प्रॉपर अग्रेसिव कट जो होता है, अग्रेसिव फैट लॉस जो होता है वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वैसा करने से मेरी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती, तो दोबारा मैं डेडलिफ्ट पे पीछे चला जाऊँगा, दोबारा बेंच प्रेस पे भी पीछे चला जाऊँगा, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना, कुछ खराब लगाओ उसके बारे में फीडबैक दे देना। This is Aman Singh signing off. Bye bye. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off.